दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 11 जनवरी 2022 आज के लव राशिफल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे अश्विनी नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की, राशिफल में बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों आज के दिन काफी आपके लिए बहुत मानसिक अशांति का दिन होगा, बहुत ज्यादा अपने अंदर ही चीजों को सुधारने की और अपने अंदर की कमजोरियों को देखने की कोशिश करेंगे, अकेलापन फील करेंगे और बहुत ज्यादा आपको अपने आप में ही मायूसी सी लगेगी। तो दिन बेहद गंभीरता से लेंगे आप आज के दिन को, और खास करके आज के दिन अगर आप किसी को डेट करना चाहते हैं या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि अचानक से आपका जो दोस्त है वो दोस्त भी ना रहे, आपको छोड़ करके चला जाए। आज आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर का विश्वास अचानक से आपके प्रति कम हो सकता है या टूट सकता है। अचानक से वो आपको ये भी कह सकते हैं कि अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। आज के दिन विशेष रूप से आपकी तरफ से लव लाइफ में जो भी प्रयास किए जाएंगे सुधारने के, चीजों को सुधारने के, वो प्रयास उल्टे पड़ेंगे आपके लिए और आपकी लव लाइफ और खराब होगी। आज के दिन आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पार्टनर की याद आए तो कॉल मैसेज भूल से भी मत कीजिएगा, अगर आप कर देंगे तो बहुत ज्यादा आपको ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी जो आप बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं, उस वजह से आपको परेशानी होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा और गुस्सा वहां निकलेगा तो बवाल बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा। आज के दिन खास करके मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर अचानक से किसी और बात का, किसी दूसरी बात का या पुरानी कोई बात या पुराना कोई बवाल उसको लेकर के गुस्सा आपके साथ में आपको आपके ऊपर निकालने लगे, किसी बात को लेकर के आपको टॉर्चर करने लगे, अचानक से उनका बिहेवियर बहुत खराब हो जाए, बहुत ईगो और बहुत ज्यादा आपके प्रति रूढ़ व्यवहार करने लगे आपके पार्टनर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर से आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी और वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाने के चलते आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आप अपने पार्टनर से आज कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लेंगे, वो पूरी नहीं होगी, इस वजह से मन अशांत रहेगा, बाकी स्थितियां ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन बहुत लंबी यात्रा हो सकती है और यात्रा पर आज के दिन किसी से मुलाकात हो सकती है, आज के दिन किसी के साथ डेट पर जा सकते हैं, लव लाइफ बेहतर रहेगी। आज के दिन विशेष रूप से आपके लिए भले ही द्वादश का चंद्रमा है लेकिन यहाँ पर अचानक से आपके लव लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, लव लाइफ में पार्टनर आपके ऊपर खर्च करने लगेगा, आपको इम्प्रेस करने के लिए प्रयास करने लगेगा, आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करने लगेगा। आज वो आपसे अपने कोई दिल की बात, कोई छिपी हुई बात भी बता सकता है। आज के दिन आपके खास करके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति में थोड़ी बहुत बहस होने के बाद में आपके खास करके 11 बजे के बाद में स्थितियां सुधर सकती हैं क्योंकि वहां पर शुक्र का नक्षत्र शुरू हो जाएगा। विशेष रूप से आपकी मैरिड लाइफ में जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, 11 बजे के बाद में मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज भूल से भी पार्टनर से मुलाकात ना करें, नहीं तो आपको कुछ झूठे बातें और झूठे वादों से परेशान करेंगे और झूठी बातें और झूठे वादे दोनों ही आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ये स्थिति है। दोस्तों बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों आज के दिन आप अगर किसी के साथ डेट पर जाते हैं तो वहां पर आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत फायदेमंद रहेंगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा और प्रेम संबंधों में आपको आज कमिटमेंट भी मिल सकता है।
लव लाइफ में कमिटमेंट की अगर चाहत रखते हैं तो आप चाहत पूरी होने वाली है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप अगर गए थे तो निश्चित रूप से आप फिर से कॉन्टैक्ट में आने वाले हैं। कोई लंबी प्लानिंग हो सकती है, मुलाकात की प्लानिंग हो सकती है, अगर एक्स पार्टनर के साथ में फिर से आज बात कर लेते हैं। आज मैरिड लाइफ में आपको कुछ जिम्मेदारियां समझनी होंगी। अगर कोई जिम्मेदारी में चूक हुई या बच्चों के प्रति कोई लापरवाही की तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पार्टनर का व्यवहार खराब दिखे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश नजर आएंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सुनाएंगे, या हो सकता है कि वो आपके साथ में कुछ शर्त रख दें कि ये काम करो वो तब करेंगे, ऐसी कोई शर्त रख दें जिससे आपको लगे कि साफ साफ ये व्यक्ति अपना काम निकालने आया है, हमारे से इसे कोई मतलब नहीं है, फीलिंग से इसे कोई मतलब नहीं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो खास करके आज के दिन भूल से भी किसी के साथ में डेट पर ना जाएं। आज कोई नया दोस्त बनाएंगे तो वो दोस्त बहुत ही खराब होगा और उस दोस्त के चक्कर में आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। आज के दिन आपकी लव लाइफ में पार्टनर आपको इग्नोर करेगा, मैसेजेस के जवाब नहीं देगा और ऐसा लगेगा जैसे उसका बात करने का मन नहीं है। आज के दिन शाम के वक्त में अचानक से मैरिड लाइफ में पार्टनर बहुत ज़्यादा झगड़े करने लगेगा, लेकिन यहीं पर देखा जाए तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति फिर भी ठीक हो सकती है। अगर आप चाहें तो आपकी स्थिति सुधर सकती है, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको एडजस्ट करना होगा। आज के दिन आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। यहाँ पर आज आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं या आपका बहुत लंबी यात्रा का प्लान बन सकता है या कोई बड़ी खुशी आपको मिल सकती है पार्टनर के द्वारा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आज किसी के साथ डेट पर ना जाएं, आज किसी को प्रपोज ना करें, ना ही किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा कोई नया व्यक्ति मिलेगा तो बहुत ज़्यादा झूठे वादे करेगा, उन झूठे वादों पर यकीन करने से बचें। लव लाइफ में आज कोई झूठा कमिटमेंट पार्टनर मजबूरी में दे सकते हैं, किसी बात को मनवाने के लिए झूठा कमिटमेंट दे सकते हैं। आज के दिन अचानक से पार्टनर ने अगर कोई कमिटमेंट दिया था तो उससे वो अपना पीछा भी छुड़ाना चाहेंगे, कुछ बातें उनके मुंह से ऐसे निकलेंगी जिससे आपको विश्वास नहीं होगा कि यही व्यक्ति बोल रहा है। आज के दिन मैरिड लाइफ में पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे, ससुराल पक्ष से गलतफहमियां बन गई थी, गलतफहमियां दूर होंगी, रिश्ते अच्छे होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन पार्टनर थोड़ा सा वाणी से बहुत कड़वा हो जाएगा जिससे कि कुछ बातें आपको चुभेंगी, उसकी गुस्से में बोली हुई बातें कुछ गुस्सा ज़्यादा ही करेंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी के साथ डेट पर ना जाएं। आज के दिन आपको लव लाइफ में शक बहुत होगा, ओवरथिंकिंग बहुत होगी और गहराई से चीज़ों को सोचने की वजह से अचानक से आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपको ब्लॉक कर सकता है आपका पार्टनर। आज के दिन आपको मैरिड लाइफ में भी पार्टनर कुछ छोटी सी गलती निकाल करके आपको बहुत ज़्यादा सुनाएगा और आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा, आपसे नाराज़गी व्यक्त करेगा। आज के दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, पार्टनर के साथ में बातचीत हो सकती है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आज के दिन आपको डेट पर जरूर जाना चाहिए। आज के दिन लव लाइफ अच्छी करनी है तो पार्टनर से बात भी करनी चाहिए। आज के दिन शादी के कमिटमेंट को मांगने पर आपको मिल सकता है कमिटमेंट। आज के दिन मैरिड लाइफ में अपनी बहुत सारी पुरानी यादों को आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करेंगे। आज के दिन अपने पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आज के दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर से थोड़ी बहुत आपकी बहस हो सकती है, लेकिन दिन अच्छा रहेगा, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन विशेष रूप से आपको ऐसे व्यक्ति के चक्कर में आप फंस सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो और आपको भी फंसा ले। खास करके देखा जाए तो आपकी लव लाइफ में आज की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपके पार्टनर आपको ब्लॉक करके कहीं और किसी से बात करने लगे, किसी अपने एक्स पार्टनर से ही बात करने लगे, ऐसी स्थितियां बन रही कि आज मैरिड लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा पार्टनर झूठ बोलें, परेशान करें और थर्ड पार्टी की बातों को छिपाएं।
कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में जिसे पार्टनरशिप पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, आज के दिन उनकी कोशिश बहुत ज़्यादा ही दिखाई देगी जिससे आपका शक बढ़ता चला जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज कोई गिफ्ट उपहार देकर के पार्टनर आपको खुश करने की कोशिश करेंगे और अपनी किसी गलती के लिए माफी मांग सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो खास करके आपके लिए स्थितियां बेहद खास बन रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति से आज मुलाकात हो, बातचीत हो, नए व्यक्ति मिले, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आज के दिन जल्दी किसी पर भरोसा हो जाएगा, लव लाइफ में पार्टनर पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। आज कमिटमेंट भी मिल सकता है, आज कोई गिफ्ट उपहार भी मिल सकता है। आज के दिन आपके लिए विशेष रूप से पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा। आज वो आपको कुछ ऐसी बातें बताएगा, आपको कोई गिफ्ट दे या कुछ आपके लिए करे और आपको कुछ टिप्स दे किसी चीज़ के लिए, आपकी कुछ हेल्प करे, हर चीज़ में आपकी हेल्प करे, ऐसी स्थिति बनेगी। मैरिड लाइफ में समझौते होंगे पार्टनर के साथ में, गलतफहमियां हैं तो दूर हो जाएंगी गलतफहमियां। वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना चाहिए आज के दिन भी, और विशेष रूप से आपको ओवरथिंकिंग से भी बचना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी थर्ड पार्टी को आपने अपनी बातें शेयर कर दी आज, तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, वो थर्ड पार्टी बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं होगी, तो ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में आपको पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई देगा, आज आप भी उसके प्रति बहुत इमोशनल हो जाएंगे। आज अपनी माँ से वो आपके बारे में बात कर सकते हैं, लव लाइफ में खुशियाँ आएंगी। आज के दिन आपको पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें आप अगर मांगेंगे, जो भी आप उससे कमिटमेंट मांगेंगे तो वो मिलेगा आपको। आपके लिए बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ की स्थिति खराब है, क्योंकि मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के पेरेंट्स ही झगड़े का कारण होंगे और आज छोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन फिजिकल रिलेशन भूल से भी ना बनाएं, आज के दिन फिजिकल होने से आप दोनों लोग बहुत जल्दी अलग हो सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहद दोस्ती की बन रही हैं, कोई करीबी व्यक्ति आपका दोस्त बन सकता है। आज आपके लिए लव लाइफ में पुराना प्यार वापस आ जाए, एक्स पार्टनर वापस आ जाए, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति से आप कॉन्टैक्ट में आ जाएं, उनकी फीलिंग आपके लिए बढ़ जाए, आपके प्रति उनका बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ जाए, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष से संबंध जो खराब चल रहे थे वो दूर हो जाएं, वो स्थितियां सही हो जाएं, गलत फहमियां दूर हो जाएं। विशेष रूप से आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने आपके सामने खड़े होंगे, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आज के दिन वाणी पर नियंत्रण रखें, सिंगल हैं तो खास करके आज ऐसे लोगों से बिल्कुल बात ना करें जो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हों। आज के दिन आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन आपकी कॉन्टैक्ट में आने की स्थिति मजबूत बन रही है। आज के दिन लव लाइफ में पार्टनर कोई बात छिपाएगा, लेकिन वो बात आपसे छिपा नहीं पाएगा। आज के दिन आपके लिए पार्टनर कुछ बातें ऐसी भी करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तो कहीं ना कहीं जलन भी होगी, आपको चिढ़ाने की भी कोशिश कर सकते हैं। और मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर अचानक से कोई पुरानी बात जानने की इच्छा जता सकते हैं, या आपके पास्ट के बारे में अगर उन्हें कुछ पता है तो वो बात बोल करके आपको टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन मजाक में। आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको बहुत प्यार मिलेगा और सबसे ज़्यादा आप उनसे मुलाकात करना चाहते थे वो मुलाकात हो सकती है, ये स्थिति है। दोस्तों यह था आज का लव राशि फल। अगर आपको आज का लव राशि फल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।